गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ के वीडियो सेकंड स्टडी करेंगे। कल हमने चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी थी, उसमें हमने पढ़ा था प्लांट्स का इंट्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लेयरिंग, स्टेम कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। लेयरिंग में क्या होता है, इट इज़ अनदर मैथड ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट आर्टिफिशियली फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। सपोज दिस इज अ पेरेंट प्लांट, इसकी एक लता, जैसे एक कली, एक मजबूत और लचीली डंडी वाली जो लता है, उसको हमने क्या किया, मिट्टी के अंदर दबा दिया। किसकी हेल्प से, मिट्टी और स्टोन की हेल्प से। कुछ दिन बाद उसमें रूट्स निकल आई। रूट्स निकलने के बाद आफ्टर फ्यू डेज शूट साइड में, प्लांट के जमीन के नीचे जो पोर्शन होता है वो हमारा कहलाता है रूट, और प्लांट के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं शूट। तो कुछ दिन बाद लाइट ग्रीन कलर की इसमें बर्ड्स निकल आएंगे, तो वो शूट निकलना स्टार्ट हो गया, हमारा प्लांट निकलना स्टार्ट हो गया। जब हमारा प्लांट निकलना स्टार्ट हुआ, पेरेंट प्लांट से हम न्यू प्लांट को अलग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैस्मिन। Then we study about stem cutting. Stem cutting is another method of growing new plants. Some plants are grown from the piece of their stem. आपने देखा होगा कुछ plants उसके plant के ही piece से grow कर सकते हैं। जैसे हमने कल देखा था sugar cane. Sugar cane में क्या था, उसके कुछ कुछ parts बीच में box जैसे होते हैं, ठीक है, nodes होती हैं उसमें, साइड में उसके बर्ड्स निकली होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका एक पोर्शन लेंगे, एक पीस हमने कट कर दिया और इसको मिट्टी के नीचे दबा दिया जिसमें साइड में बर्ड्स निकली हुई हैं। आफ्टर फ्यू डेज ये प्लांट होकर तैयार हो जाएगा, प्लांट रेडी होकर तैयार हो जाएगा और ग्रो हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या किया था कि हमारा एक प्लांट था, उसमें से हमने एक पीस को कट किया जिसमें बर्ड निकली हुई थी और उसको मिट्टी के नीचे दबा दिया और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटीन और अच्छी सी मिट्टी, पानी सब दिया। उसके कुछ दिन बाद वो फसल तैयार होके रेडी हो जाती है और न्यू प्लांट बनकर रेडी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हम और लें तो शुगर केन के साथ में रोज, शुगर केन, हिबिस्कस, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज अनदर वे ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। इन दिस मेथड टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट पार्ट आर जॉइंट एंड टाइड विद अ वेट क्लॉथ। इसमें क्या करते हैं हम, ग्राफ्टिंग में किसी भी दो वेराइटीज के प्लांट्स को आपस में बांध देते हैं, किसकी हेल्प से, वेट क्लॉथ की हेल्प से। बट वी रिमेंबर दैट के प्लांट्स की वेराइटीज तो डिफरेंट रख सकते हैं लेकिन उसकी स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ये हमें हमेशा याद रखना है। अब जब हमने प्लांट्स के दो पार्ट्स को लिया और इसको बैंड किया, सपोज ये हमारा प्लांट है, बीच में से हमने इसको बैंड किया हुआ है, जो हमारा ऊपर का पोर्शन है इसको हम कहते हैं शायन, और प्लांट का जो नीचे का पोर्शन है उसको हम कहते हैं स्टॉक। आफ्टर फ्यू डेज साइन इज ग्रो अप। कुछ दिन बाद क्या होगा, साइन पार्ट ग्रो होने लगेगा और हमारा न्यू प्लांट बनकर रेडी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, रोज, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो ग्राफ्टिंग के लिए किए जाते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो स्टेम कटिंग के लिए किए जाते हैं, और ये एग्जाम्पल है जो लेयरिंग के लिए किए जाते हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, अब सीड्स में से कैसे हम रिप्रोडक्शन करते हैं, व्हाई डज अ प्लांट प्रोड्यूस सो मैनी सीड्स,
दिस इज बिकॉज मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, नॉट ऑल सीड्स ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट्स. अब आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स सीड से ग्रो हो जाते हैं लेकिन कुछ प्लांट्स सीड से ग्रो नहीं हो पाते, वो क्यों? क्योंकि जब हमने पेरेंट्स प्लांट से उस सीड को सेपरेट किया तब वो फुली डेवलप नहीं हो पाया था, फुली ग्रो नहीं हो पाया था. क्यों? क्योंकि कुछ सीड्स डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो गए या ख़राब हो गए. किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से, हैवी रेन्स की वजह से, और या फिर उनको इंसेक्ट्स और बर्ड्स ने खा लिया एक साइड से, या आधा खा लिया या पूरा खा लिया, तो वो सीड डिस्ट्रॉय हो जाता है. या फिर हमने उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा डाल दी और पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया तो वो सीड डिस्ट्रॉय हो गया अंदर से, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं हो पाया और न्यू प्लांट रेडी नहीं कर पाया. सो जब भी हम न्यू प्लांट ग्रो करें, सीड्स को सेपरेट करें, तो उसको पहले फुली डेवलप होने दें, देन पेरेंट प्लांट से न्यू उसको सेपरेट करें. सीड्स दैट सर्वाइव एंड गेट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द सीड लीव्स. सम ऑफ सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्राम पीस एंड बीन्स हैव टू सीड्स लीव्स आर कॉल्ड डाइकॉट. आपने देखा होगा जैसे पीस, ग्राम या बीन्स, उनका बीज अगर आप देखें तो अंदर से वो दो पार्ट में डिवाइड होता है लेकिन उसकी जो ऊपर की कवर होता है वो एक ही होता है. तो अंदर से जो टू पार्ट्स में डिवाइड है उसको हम कहते हैं कॉटिलेडॉन्स. जो ये पार्ट्स में डिवाइड है उसको कहते हैं हम कॉटिलेडॉन्स, और इस पूरे सीड को हम कहते हैं डाइकॉट. डाइकॉट सीड्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल पीस, ग्राम एंड बीन्स. बट सम सीड्स ऑफ प्लांट लाइक वीट, मेज एंड राइस हैव वन सीड. आपने देखा है जो हमारा वीट होता है उसका सीड सिंगल होता है, बीच में एक लाइन होती है हल्की सी, लेकिन वो सिंगल होता है और उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता. राइस सिंगल होता है, उसके ऊपर कवर होता है, और मेज मक्का, ऐसे सीड्स जो सिंगल हों मतलब उनके कॉटिलेडॉन्स अंदर केवल एक हो उसको हम कहते हैं मोनोकॉट सीड. मोनोकॉट सीड्स, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? वीट, राइस, मेज. तो अब आपका होमवर्क है, आपको डाइकॉट सीड्स और मोनोकॉट सीड्स में डिफरेंस निकालने हैं, कोई भी दो डिफरेंस, क्या फ़र्क होता है इनमें. और आपको ये याद करना है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की कितनी कैटेगरीज थी, और होमवर्क में करना है तीनों कैटेगरीज के नेम, उनके डिफरेंस और उनके नेम. इसके आगे हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.